subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ते हैं प्यार के में चल रहा है बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा, जहां एक तरफ दिखाया गया कि कैसे मिष्टी और अबीर बजाते हैं एक शख्स को, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अबीर के पापा है। पर अबीर को उनका चेहरा याद नहीं है, इसलिए वो अपने पापा को पहचान नहीं पाता। वो उनको घर लेकर आता है, उनकी देख रेख करता है, और जैसे अबीर के पापा को होश आता है वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं, और अबीर को लगता है जैसे मानो उनसे कोई उनका रिश्ता हो। तभी होता है कुछ यूँ कि फ़ोन आता है, और फ़ोन पर मीनाक्षी राजवंश लिखा होता है, लेकिन अबीर ये सब कुछ नहीं देख पाता कि तभी वो शख्स अचानक से गायब हो जाते हैं, और अबीर को लगता है कि ऐसे कैसे वो चले गए। जहाँ पर दूसरी तरफ देखने को मिला कि कुहू और कुनार घर वापस लौट कर आ गए हैं, और मीनाक्षी को पता चल गया है कि उसके हस्बैंड फिर से उसके घर आने वाले हैं, यानी कि राजकोट। जी हाँ, मीनाक्षी को डर है कि कहीं अगर उसके हस्बैंड वापस आ गए तो कहीं वो दोनों बेटों को छीन कर ना ले जाए। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि वर्षा के सामने एक और सच्चाई आने वाली है, जिस सच्चाई से वर्षा के होश उड़ जाएंगे। दरअसल वर्षा को पता चलने वाला है कि मिष्टी और अबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसका पूरा इफेक्ट कुहू की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। आने वाली कहानी में भी आप देखेंगे कि कुहू अपनी मम्मी यानी वर्षा से कहने वाली है कि मिष्टी और अबीर की शादी कभी भी मत होने देना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कुहू की शादी बर्बाद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि मिष्टी ने अबीर को कॉल करके ये कहा है कि अब वो जल्द ही अपने बड़ी मम्मी और बड़े पापा से बात करेगी शादी के बारे में, जिसकी मंजूरी अबीर ने भी मिष्टी को दे दी है। अब ऐसे में देखना बेहद ज़्यादा दिलचस्प होगा कि मिष्टी और अबीर की शादी क्या हो पाएगी, या फिर इससे पहले ही वर्षा कोई नई चाल चलेगी। जो भी होगा आने वाले एपिसोड में इस बात की जानकारी लेकर लौटेंगे आपके पास, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24/7 ऑनलाइन न्यूज निजुम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।